दोस्तों अभी हम लोग है ना विंटरलैंड के पास आए हुए। यहाँ पर तो हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि अंदर सर्दी होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर गर्मी है ना। मुझे बस यही लग रहा है कि अंदर दो तीन बर्फ रखी हुई होगी और बस एक पंखा चला दिया होगा, जिससे पता नहीं क्या लोगों को लगे कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ है। लेकिन मेरे को ऐसा ही फील हो रहा है। अब अंदर जाके पता पड़ेगा कि है क्या मसला। मेरे साथ डॉक्टर भाई भी है और सारी फैमिली है भाई। अब अंदर जाते और चेक करते कि आखिर सीन क्या है। और वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हारे एक अल्ट्रा भाई को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी भरी हुई है यार। ये लाइन स्टार्ट हो चुकी है अब। यार गाइस मैं अम्मी को फर्स्ट टाइम आज बर्फबारी के पास ले जा रहा हूँ। अब अम्मी बहुत ज्यादा डर रही है। अम्मी से सुनना क्या कह रही है। अम्मी आपको पता है बच्चा रोते हुए आ रहा था, अभी बोला सर्दी लग गई उसको। ये रहा रो रहा है बच्चा, रो रहा है, बोला सर्दी लग गई इसको। यार गाइस मुझे जैकेट इन्होंने लुंडे की दे दी है लग रहा है यार, ठेले वाली उठा के दे दी है, क्योंकि भाई इसमें खुशबू वही आ रही है। अम्मी आपकी जैकेट कहाँ है, आपको जैकेट नहीं मिली? हो रही है रही, चलो पहन लो। यार गाइस अभी बर्फबारी स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन हमें जैकेट पहना दिया ताकि ये रियलाइज हो कि अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे पता है इतनी ठंड नहीं होगी यार, क्योंकि जितनी डॉक्टर भाई के अंदर ठंड है ना, गर्म गर्मी गर्मी है हाँ। भाई कुछ भी है, अभी अम्मी बहुत ज्यादा डर रही है। सो गाइस हम लोग इंटर हो चुके हैं भाई। बर्फ के गोले के अंदर इतनी ज्यादा धुएं निकल रहे मुंह से, जैसे भाई मैं किसी एंटार्क्टिका ओशन पे आ गया जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है यार। अभी ये अंदर वाली लोकेशन पे क्या जा रहे हैं? ये है भाई मेरा बाबा। भाई यार बहुत ज्यादा बर्फ लग रही है मुझे, मैं लग रहा है बर्फ पड़ने वाला हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं है, कुछ महसूस नहीं हो रहा तुम्हारे भाई को, बहुत अंदर गर्मी भरी हुई है यार। पंप की और मैं तो अंदर जा रहे बहुत ज्यादा। चलो 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 शाबाश, चलो चलो कहाँ चले, मिट्टी के घर में। यार इधर तो लिखा हुआ है यूज एट योर ओन रिस्क, मतलब के भाई यहाँ पर एक खतरा वो है कि तुम्हारी जान जा सकती है। जब भी रिस्क आ जाए ना, समझ जाओ तुम रिस्क होने वाले। तो इसी वजह से अब्दुल हमीद तुम्हें है ना थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा भाई। ये राइड करने के लिए हमें चाहिए होगा एक चीज। और बाबर भाई चले यार, मैं ग्लव्स उतार रहा, मोबाइल नहीं चलेगा होना। अच्छा सो यार फाइनली अभी हमें मिल चुकी है राइड की वो है, ये हमें नीचे से मिली है। अब यहाँ पर इतने ज्यादा रश है, रश तो खैर सही है, लेकिन थोड़ा वो डर भी लग रहा है कि बर्फ से बाबर का सर ना फट जाए। और बाबर भाई वहाँ पर डर रहे बहुत ज्यादा। गिलफ उतार दिया आपने यार, ये उसी तरह से हो रहा है कि गेमिंग हम गिलफ में नहीं खेल सकते ना, वैसे ही बाबर अपना गिलफ उतार के गेमिंग करना चाहता है। खतरा तो नहीं है ना बाबर भाई, आ जाओ पहले आप बैठो। आप बैठो ना, हमने वीडियो बना ले, हम दोनों बैठेंगे यार। हां बैठे भाई, पकड़ना कहाँ से भाई, कहाँ से पकड़ना है, जाओ गांव बाहर निकालो आप भाई। सीट लगता कि सही है, आप पीछे जाओ, आप आ जाओ आप इधर से काम निकालो, एक बैठो यार इधर निकालो, इतना इधर से निकालना है आप तो नहीं, आप बाहर मैं सही हूँ। हालत टाइट हो गई यार गाइस, सच में लग रहा था मेरे बर्फ मेरा सर पे लग जाएगी और मेरा सर फट जाएगा। बाप रे भाई बचत हो गई। सो गाइस अब बारी है हमारी ये वाली राइड करने की। बाबर रेडी हो? हाँ चलो यार यहाँ पे। डॉक्टर भाई आप तो कुछ करो, आप डर रहे हो यार। करूँ मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ लोगों के लिए, मैं क्या करूँ यार। डॉक्टर भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं लोगों के लिए और हम कर रहे हैं एंजॉयमेंट साथ में व्लॉगिंग भी। डॉक्टर भाई को आप समझाओ कब तक इंजेक्शन लगाते रहेंगे। इतना एंजॉयमेंट तुम नहीं कर रहे हो जितना मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है मैं बर्फ वाली सीट पे बैठा हूँ। सो गाइस मैंने ग्लव्स अपना उतार दिया है, क्योंकि यार मेरा मोबाइल बार बार अनलोड हो रहा था, इस वजह से लोगों को डर नहीं लग रहा। तुम कर सकते हो शाबाश, यू कैन डू इट, वेरी गुड गाइस। मैं खुद तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को मोटिवेट कर रहा हूँ, हो सकता है इन्हों को मेरी मोटिवेशन लग जाए। 3-2-1 गो जाओ। अबे यार यार तुमने इसमें ऐसा देखा यार गाइस, मैं बहुत ज्यादा है ना डर के मारे एक जगह पे स्टॉप हो गया हूँ। अब मुझे सबसे इजी वाली राइड चाहिए, क्योंकि भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बर्फ ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड भी है ऊपर से, और मैं सबसे ऊपर आया हुआ हूँ। अभी मुझे चाहिए सबसे इजी राइड। अब मैं देख रहा हूँ बच्चों को देख के कि भाई ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, इनों की आवाज़ें किस तरह से निकल रही है। अगर ये नहीं डर रहे तो मतलब मैं भी नहीं डरूंगा भाई, पक्का कुछ भी नहीं होगा ना मुझे। यार भाई ने बोल दिया है कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई का मुझे नाम तक नहीं पता।
गाड़ी रुक गई। अबे कोई बचाओ मुझे प्लीज, कोई बचाओ। ओ भाई कोई बचाओ। ओए रुको रुको यार, क्या इसमें तो डर के बारे में बता रही, क्या हो रहा है? अबे ये कहाँ जा रहा हूँ मैं? ओए ओए रुको यार। अबे अबे गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई, कोई पीछे से ठोक देगा मुझे। अबे भाई निकल निकल निकल, गाड़ी रुक गई यार मेरी, गाड़ी रुक गई यार मेरी बीच ही रास्ते में। गाइस यही होता है मेरे साथ, स्कूटर चलाओ तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, आज राइड करी तो बीच में गाड़ी रुक गई यार। यार गाइस फिल्म में बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज्यादा बर्फ बनते जा रहा हूँ, तुम्हें सबसे खास चीज दिखाऊं गरीब आना, बोल मेरे को भाई वो वाली जो राइड है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें मेरा सर फटने वाला था यार। मैं आपको दिखाऊं ये वाली जो राइड, देखो ये कैसे आ रहे भाई, इन सबका सर फट सकता है अगर ये सीधा जो है ना ये इनों के सर पे लग जाए तो। ये तो बच गई, लेकिन गाइस मेरा सर फटने वाला था, क्योंकि मैं अपना सर उठा के चल रहा था, अगर जरा सा और उठाता ना मेरी गर्दन ही पूरी कट जाती भाई। ये देखो ये भाई जा रहा है लेट के। बाबा प्लीज यार, नहीं यार नहीं यार, बाबा को मैं कह रहा हूँ कि इस वाली राइड में बैठो, बाबा फिर मान ही नहीं रहे। गाइस मुझे लग रहा है फालिज हो गया है, क्योंकि मेरा मुंह काम नहीं कर रहा भाई, सच में यार मेरा मुंह यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, मुझे सच में लग रहा है फालिज हो गया है। बाबा अल्लाह माफ करे, मेरा मुंह काम नहीं कर रहा, अल्लाह बताएगा। यार गाइस मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा यार, अब मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि उधर गर्मी थोड़ी मुझे लगे और ठंड से मैं बच सकूँ। भाई ये वाली जगह तो खुली हुई है, ये वाली जगह जाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? यार मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, तुम लोग हटो मैं अंदर बैठूं, मुझे गर्मी चाहिए यार। तुम लोगों को अंदर गर्मी लग रही थी? नहीं नहीं थी, अंदर अंदर ठंड थी? नहीं तो गर्मी थी, ठंड थी। आपको मैंने YouTube में देखा, हमने बच्चे के साथ वो भी करा था यार, वो तो सब सही है। अभी मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, गर्मी कहाँ से मिलेगी? गर्मी ग्लू में, इसमें ग्लू ग्लू इसमें। अरे ये भी तो वही है यार, मैं अंदर जा रहा हूँ भाई। गाइस मैं तो अंदर चला गया भाई, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज कुछ करो। अच्छा मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा, हिल गए, सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। गाइस मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, ये इग्लू में थोड़ी गर्मी है, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, अपन आग जलाते। भाई बात सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अपन इस इग्लू में आग लगाते और यहाँ पर लोगों को बुलाते और बोलते कि अगर तुम्हें गर्मी चाहिए ना हमें 100 रुपये दो, सही है? ऐसे अपन अमीर हो जाएंगे। चलो 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 चलो, अरे हाँ लकड़ी ढूंढ के आते, चलो कहीं चलो लकड़ी ढूंढ के आते, चलो चलो आ जाओ भाई, लकड़ी ढूंढ के आनी है हमें और आग लगाएंगे हम यहाँ पर, ताकि भाई हम लोगों को ये बता सके कि हम गर्मी आपको प्रोवाइड करेंगे 100 रुपये में बस। भाई यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस होगा। सो यार ये है मेरे बाबा और अब ये करने वाले राइड। बाबा बिस्मिल्लाह करके बैठ जाओ। बाबा आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे नाम कर दो प्लीज जाते जाते। बाबा आपकी प्रॉपर्टी, बिस्मिल्लाह बाबा 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 नहीं रहे यार, बाबा रुक गए गाइस, बाबा रुक चुके हैं यार। सो गाइस आपको एक बात बतानी है, मेरे पापा ने ये राइड की थी और पापा अब इस दुनिया में इस दुनिया में है यार, जिंदा है बाबा, टाइम ओवर होने वाला है, इसलिए मैंने लास्ट सफर कर दे। ओ भाई ओ भाई लास्ट सफर दी, मुझे मजा आया भाई, ऐसा मजा आ रहा था सच में, बर्फबारी हर जगह थी यार, लेकिन भाई मुझे बस एक ही बात का ही डर था, अरे ये कौन आ रहा है, फोन है भाई, नहीं भाई नहीं, मुझे मारने आ रहा भाई, छोड़ दो भाई, क्या हुआ तुम्हें, खर्ची चाहिए ना यार, तुम खर्ची देने खर्ची चाहिए, खर्ची नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको भाई, ये तो बोलना मेरे से गले मिलो, मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, इतनी सी बात भाई 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 यार। बर्फबारी अंदर चल रही थी पर हमें जो स्नोमैन मिला है वो बाहर मिला यार, बर्फबारी
मम्मी इसको लॉलीपॉप खिला दो, लॉलीपॉप खिला दो, मुझे खिला दो, सारे मुझे खिला दो। गाइस स्नोमैन थोड़ा खतरनाक है, मुझे डर ये है पंपी को ना खा जाए, इसलिए मुझे पंपी को इसको उसकी जगह पे भेजना होगा और स्नोमैन से थोड़ी गपशप करते हैं। यार इतने सारे पैसे मुझे स्नोमैन ने दे दिए फाइनली, यार सच में बड़ी बात है। मैं ले जाऊं पक्का? ओ भाई नहीं यार, ले लो ये आपके पैसे, ले लो मेरी तरफ से आपको खर्ची है। गाइस इसने तो मुझे डरा दिया है यार, अब मैं निकल जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई मैन आ जाए मुझे मारने। भाई सो यार स्नोमैन को अलविदा करते। सही है स्नोमैन, खर्ची मैंने आपको दे दी है। ओके गाइस अगर आपको किसी को खर्ची देनी हो ना, ये वाला मेथड अपनाना जो मैंने किया है भाई, सिंपल से उसके पैसे लो और उसको वापस दे दो, उसको खर्ची भी हो जाएगी और आपकी एक रेस्पेक्ट भी बन जाएगी। सो गाइस फाइनली यार विंटरलैंड का मजा हो चुका है कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं घर पे। मजे की बात जो यहाँ पर थी, मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा वो ये कि अपने साथ एक मास्क और सॉक्स लेके जाना भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, एक सॉक 200 रुपए का भाई, जो कि आपको ठेले पे 50-60 रुपए का आराम से मिल जाएगा। और साथ में भाई अपनी टोपी, जो भी मतलब सर्दियों वाले कपड़े ना, वो लेके अंदर घुस जाना, क्योंकि मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे और आप मजे से एंजॉयमेंट करो। मेरी आवाज है ना बंद होने वाली थी अंदर। यार बहुत ज्यादा खेल कूद करने के बाद हालत टाइट हो गई और एनर्जी चाहिए अब हमें, तो इसी वजह से हमारे पास आ चुका है रिफ्रेशमेंट। देखो भाई ये है बटर चीज हांडी और साथ में भाई कढ़ाई, हमारे साथ हमारे भाई और हमारी फैमिली है, ये जस्ट हमारा रिफ्रेशमेंट है, थोड़ा सा खाए जाना है तो आगे जाए, आगे जाके और भी तो खाना है। अभी फिलहाल हमारी हिम्मत ऐसी हो रही है, खाने के बाद हमारी ऐसी हो जाएगी, फिर हम ज्यादा खाएंगे ना तो ऐसी हो जाएगी, बस हमें वही काम करना है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के टेस्ट करते हैं इसको। पंपी मुझे चूटी भर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है पंपी को? यार पंपी छोड़ दो, मैं काम कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डरने भाई डरने, वीआईपी है, ताकत आएगी बहुत अच्छी, देख लेना यार।